हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादातर लोग प्रभावित है, वो है मोबाइल एडिक्शन। क्या आप जानते हैं कि औसतन लोग दिन में अपने फ़ोन पर लगभग 5 घंटे बिताते हैं। कुछ लोग तो लगे पड़े रील स्क्रॉल करने में, वो तब तक नहीं रुकते जब तक या तो मोबाइल का डेटा ख़त्म नहीं हो जाता या फिर मोबाइल की बैटरी डेड नहीं हो जाती। सवाल यह है कि आप इस एडिक्शन को कैसे छोड़ें। सो बने रहिए इस वीडियो में। मोबाइल को आप पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, पर आप इसे अपना कम से कम टाइम देकर इस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको उन ऐप्स को डिलीट करना है जो आपके काम के नहीं है, जो सिर्फ आपने एंटरटेनमेंट के लिए डाउनलोड की थी और कुछ काम किए, तो आप सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन बंद कर दें। जब भी आप नोटिफिकेशन देखते हैं, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपको फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं उनके सबके नोटिफिकेशन बंद कर देने चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ एरोप्लेन मोड। आप जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले एरोप्लेन मोड ऑन कर दे, जिससे आप काम करते वक्त डिस्टर्ब ना हो पाए। या फिर आप 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग 2 सिम कार्ड यूज़ करते हैं, एक पब्लिक के लिए जिसे वो कभी कभार यूज़ करते हैं, और दूसरा प्राइवेट जो सिर्फ कुछ रिलेटिव्स के पास होता है। नेक्स्ट है सेट अ लॉन्गर पासवर्ड। अगर आपके मोबाइल में फेस लॉक या फिंगरप्रिंट सेंसर एक्टिव है तो उसे बंद कर दे और लॉक स्क्रीन पर बड़ा सा पासवर्ड डाल दे, जिससे आप ज़्यादा बार फोन को अनलॉक ना कर पाए और कुछ महत्वपूर्ण काम हो तभी अनलॉक करें। नेक्स्ट है सेट अ स्क्रीन टू ब्लैक एंड वाइट। आप फोन की सेटिंग में जाके ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन को ऑन कर दे, इससे आपकी आँखें भी सुरक्षित रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा मोबाइल देखने में और आपका कम से कम स्क्रीन टाइम रहेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। याद रखें, फोन एडिक्शन से मुक्त होना एक प्रोसेस है और ये एक रात में नहीं होगा, लेकिन आप इसे कम कर सकते हो। इन कदमों के साथ आप अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो और बेहतर इंसान बन सकते हो। और हाँ, बी केयरफुल, यू लूजिंग योर लाइफ। अगली बार फिर मिलेंगे।